दिग्विजय का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में नहीं होगा ईवीएम से चुनाव। शिवराज की उड़ी नींद, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बताते चले, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट के आधार पर ही चुनाव नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वीवीपैट में का बैलेट बॉक्स माइक्रोचिप से मुक्त हो। बताते चले, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह पीटीआई से फोन पर बातचीत के दौरान अपनी बात रखी। दिग्विजय सिंह ने कहा, हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जिस बॉक्स में वीवीपैट का स्लिप आता है उसमें कोई माइक्रोचिप ना हो, चुनाव के नतीजे केवल इसके आधार पर ही घोषित किए जाए। गौरतलब है कि ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन में एक स्लिप निकलती है। इस पर चुनाव निशान को देखकर वोटर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके सामने का बटन उन्होंने ईवीएम में दबाया था। बताते चले, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, हम चुनाव आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने आरवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक की। भारतीय संविधान और लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग को सीजर के पत्नी की तरह सभी तरह की आशंका से परे होना चाहिए। बताते चले, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के साथ रिमोट वोटिंग के प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श किया था। चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव के बाद ही दिग्विजय सिंह का ये बयान आया है। बता दें कि चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर ज्यादातर विपक्षी दलों ने घरेलू प्रवासियों के परिभाषाओं सहित कई पहलुओं पर सहमति बनाने के लिए कहा है। बताते चले, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे बैलेट पेपर से वोटिंग के लिए दबाव नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बैलेट पेपर से वोटिंग का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मेरी मांग है कि बहुत ही सरल और उचित है, मैं ईवीएम से ही मामूली संशोधन के साथ वोटिंग की मांग कर रहा हूं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।